हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रंजीता, यू आर वाचिंग ग्राउंड इश्यूज। गाइज कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइज साड़ी कैसी भी हो, महंगी हो, सस्ती हो, रेशम की हो, सूती हो, बनारसी हो, सिफॉन हो, कोई सी भी साड़ी हो, एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली हो, कोई भी साड़ी हो, उसमें हम फॉल्स ज़रूर लगाते हैं। बिना फॉल्स के कोई साड़ी क्यों नहीं पहनता, कभी होता है? आपने कभी सोचा है कि साड़ी में फॉल्स लगाना क्यों ज़रूरी होता है, या बिना फॉल्स की साड़ी क्यों नहीं पहनता कोई? तो चलिए आज की वीडियो में कुछ इन्हीं बातों के बारे में बात करते हैं एंड जान लेते हैं कि साड़ी में फॉल्स क्यों लगाना जरूरी होता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बट बिफोर दैट गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट के आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माई इंस्टा आई डी, यू कैन फॉलो मी देयर टू। चलिए गाइस जान लेते हैं आज की वीडियो में कि साड़ी में फॉल लगाना क्यों ज़रूरी होता है और इसे क्यों लगाया जाता है, कैसे लगा जाता है, क्या है सही तरीका लगाने का, इसे आप घर में लगा सकते हो इजीली या नहीं, इन सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि साड़ी में फॉल क्यों लगाया जाता है। एक्चुअली इसके दो मेन रीज़न है। साड़ी के नीचे फॉल एक्चुअली आपकी साड़ी को मजबूती देने के लिए लगाया जाता है। जनरली साड़ी का नीचे वाला हिस्सा फ्लोर को टच कर रहा होता है, देखा होगा आपने कि साड़ी के नीचे वाला हिस्सा जल्दी गंदा हो जाता है, घिस जाता है, इस वजह से साड़ी में फॉल्स लगाया जाता है। और कोई भी साड़ी ऐसी नहीं होती कि जिसकी फैब्रिक मोटी थी, साड़ी की फैब्रिक काफ़ी पतली होती है, तो इस वजह से भी साड़ी के नीचे फॉल्स लगाया जाता है। तो ये रहा पहला रीज़न। तो पहला रीज़न था साड़ी को मजबूत करने के लिए उसमें फॉल्स लगाया जाता है। बट दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है साड़ी, आपकी साड़ी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए उसमें फॉल लगाया जाता है। आप जब भी साड़ी में फॉल लगाते होगे तो आपने देखा होगा कि निचला हिस्सा काफ़ी थोड़ा हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से आप जब भी उसमें प्लेट्स वगैरह बनाते हो तो बहुत ही खूबसूरत से, अच्छे ढंग से, बहुत ही खूबसूरत ढंग से वो बनती है और बहुत ही देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। और आपकी साड़ी में एक हैवीपन आ जाता है, जो आप जब पहनते हो तो वो लुक बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर आप जब बिना फॉल्स की इस तरह की साड़ी ड्रेप करते हो तो आप देखोगे कैसा लुक, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए भी साड़ी में फॉल्स लगाते सके, क्योंकि जब आप बिना फॉल्स की साड़ी को पहनोगे ना और फॉल्स लगाकर साड़ी को पहनोगे तो आपको फ़र्क अपने आप पता चल जाएगा, आप खुद उसे फील करोगे कि क्या फ़र्क होता है। जब भी आप फॉल्स लगाकर साड़ी बनाते हो, ड्रेप करते हो, उसकी प्लेट्स वगैरह बनाते हो तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनती है और अच्छे से सेट होती है। तो गाइज़ अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी साड़ी में घर में फॉल्स लगा सकते हो? तो जी हाँ गाइज़, आप घर पर भी ये ट्राई कर सकते तो आप लगा सकते हो, बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। गाइज अगर आप साड़ी में फॉल लगाने की सोच रहे हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका फॉल साड़ी से मैच करता हुआ हो और उसका धागा भी आपकी साड़ी से मैच करता हुआ हो, क्योंकि अगर दूसरे कलर का लोगे तो वो धागा आपको दिखने वाला है। और जो सुई आप निडल लेने वाले हो वो भी आपको छोटी लेनी है, पतली लेनी है, क्योंकि आपको जब फॉल्स लगाओगे इसमें छोटे छोटे टाके आपको लगाने, बड़े नहीं लगाने, इसलिए आपको बड़ी सुई नहीं लेनी है। सुई आपकी छोटी होगी और बारीक होगी, पतली होगी। नहीं कि जब भी आप फॉल खरीदे तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि वो आपकी फॉल्स जो साड़ी की से मैच करता हुआ जो आप फॉल ले रहे हो वो उसकी फैब्रिक कॉटन की हो, किसी और फैब्रिक की ना हो, क्योंकि कॉटन की फैब्रिक वाली फॉल्स आपकी साड़ी में बहुत ही अच्छे से सेट होती है और उसका लुक भी बहुत ही अच्छा आता है, जो कि दूसरे फैब्रिक के फॉल से नहीं आता बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट आपको करना ये है कि आप जो मार्केट से फॉल लाते हो कॉटन की, तो उसे आपको वॉश करना है, अच्छे से वॉश करना है, देन उसे सुखा लेना है अच्छे से, एंड उसे प्रेस करके ही आपको साड़ी में लगानी है। क्योंकि अगर आप बिना वॉश के ही फॉल को यूज़ कर लेते हो तो उसे श्रिंक होने की ज़्यादा चांसेज होती है, जो कि आपके साड़ी के लुक को बिल्कुल ही ख़राब कर देगा, उसमें सिलवटें आ जाएंगी, वो अच्छे से सेट नहीं होगी। तो जब भी आप फॉल लगाए तो उसे वॉश करें, देन उसे प्रेस करें अच्छे से, देन उसके बाद ही उसे यूज़ करें। फॉल लगाने के लिए आपको छोटे छोटे सेफ्टी पिंस वगैरह रखने आपके पास होने चाहिए, पिंस रख लो या फिर सेफ्टी पिंस रख लो, सो दैट कि आप जब फॉल्स लगाओ तो उसमें पिन अटैच कर सको, जिससे आपकी फॉल्स टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, आगे पीछे नहीं होगी, वो अपनी जगह पर सेट रहेगी। फॉल लगाते हुए एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको साड़ी उल्टी करनी है, उल्टी कर लेनी है, एंड देन उसके बाद 10 इंच का गैप देकर ही आपको फॉल लगाना है। फॉल लगाते हुए एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जब भी आप नीचे की ओर फॉल लगाओ तो उसमें डबल धागे का आपको यूज़ करना है, एंड ऊपर की ओर जब आप स्टिच करते हो तो आपको सिंगल धागे का यूज़ करना है। एंड ऐसा करते हुए आप नीचे साड़ी के नीचे प्लेट रख सकते हो, थाली रख सकते हो, या फिर कोई हार्ड सा सरफेस के ऊपर अपनी साड़ी रखो, जिससे आपको स्टिच करने में काफ़ी आसानी होगी और फटाफट आप ये कर लोगे। आपने कितनी आसानी से आप घर बैठे आप फॉल्स लगा सकते हो और पैसे बचा सकते हो और अपनी साड़ी की खूबसूरती भी बढ़ा सकते हो। वैसे तो आप मार्केट में भी लगवा सकते हो फॉल्स, बट होता ही ये है कि टेलर वाले बड़े बड़े टाके लेकर फॉल्स लगाते हैं, जिससे कि वो फंस कर बहुत जल्दी धागे टूट जाते हो, और समटाइम्स तो बिछिया वगैरह पायल पहनते हो तो अगर आप पहनते हो तो उसमें भी फंस जाते हैं, जिससे वो
उधड़ जाते हैं, जिससे वो निकल आते हैं एंड उसका लुक पूरा ख़राब हो जाता है। तो गाइज अच्छा है, बेटर है कि आप घर पे ही, इतनी आसानी, जब इतनी आसानी से लगता है तो आप घर पे ही ट्राई कर लो। सो आई होप गाइज वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टाटा।